स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम केसलर सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये होता कैसे है। तो आपको सिर्फ समझने से पहले ये समझना कचरा क्या है। तो हमारे अंतरिक्ष में भी बहुत कचरा भरा पड़ा है, तो आप बोलोगे कि हम लोग वहाँ जा जाकर कचरा फेंक रहे हैं? नहीं, बात ये समझिए कि रॉकेट के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज जो है, जिसे हम लोग बूस्टर कहते हैं, वो जनरली हमेशा नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके ऊपर के जो स्टेज हैं वो लटक सकता है कई बार ऑर्बिट में। और उस ऑर्बिट के मतलब सेकेंड स्टेज के ऊपर जो स्टेज है, जैसे थर्ड स्टेज है या फोर्थ स्टेज है, ये सब जनरली इतना हाई एल्टीट्यूड पर और इतना स्पीड पर रहता है कि ये हमेशा ऑर्बिट करता रह जाएगा। तो जंक का सबसे बड़ा टुकड़ा यही सबसे आया है, कि मतलब ये सैटर्न प्रोजेक्ट का है, जो कि मतलब चांद पे गया, चांद पे आ गया, लेकिन अभी तक ये ऑर्बिट पर ऐसा हुआ। पूरा अपोलो प्रोजेक्ट बना, खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन ये अभी तक ऑर्बिट कर रहा है, क्योंकि ये सब बनाया नहीं गया था कि मतलब ऑर्बिट में इसको बनाया गया था कि ठीक है जाओ, जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो बहुत सारा शुरुआती रॉकेट का अपर स्टेज फंसा हुआ है ऑर्बिट में, जो वहाँ घूम रहा है। और समझिए ये कोई काम तो कर नहीं रहा, लेकिन नुकसान है कि मतलब कोई भी सैटेलाइट इससे भिड़ सकता है या ये किसी चीज़ से भिड़ सकता है। फिर आप ये समझिए कि इससे पेंट उखड़ रहा है। तो आप बोलेगा अरे पेंट उखड़ रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? पेंट धरती पे कुछ नहीं करता, लेकिन अंतरिक्ष में चूंकि वो चल रहा है 24 से 28 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 50 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा तक कुछ कुछ ऑर्बिट में चल सकता है। तो उस दरमियान इसमें इतनी एनर्जी है कि 1 मिलीग्राम यानी छोटा सा पेंट का टुकड़ा आपका बुलेट प्रूफ ग्लास में छेद कर डालेगा, आपका ये स्टील हल में ऐसा छेद कर देगा। ऐसा होता है, मतलब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आर्मर जो है उसमें ऐसे छेद होते रह रहे हैं इसके चलते, कि वो पेंट से हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नट बोल्ट भिड़ा, पेंट से ऐसा हो जा रहा है। तो अगर ये भिड़ गया तब तो छोड़ दीजिए। और आप ये समझिए कि बहुत सारा छोटा और बहुत हाई स्पीड पे, तो आप बोलिए इतना हाई स्पीड कहाँ से आ रहा है, रॉकेट थोड़ी चल रहा है मतलब। लेकिन जैसे ही आप ऑर्बिट पे गए थे तो आपने उतना एनर्जी डाल दिया, अब इस वैक्यूम होने के चलते वो एनर्जी वहाँ से हट नहीं रहा है, मतलब इसमें जो एनर्जी डाली गई थी वो एनर्जी अब यहाँ से हट नहीं रहा है ना, तो इसलिए ये वहाँ फंसा हुआ है। तो इसलिए हर चीज़ है जो वहाँ ऑर्बिट में वो मिनिमम 24 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर ही रहता है, 28 हज़ार से तो ऊपर ही रहता है, आप समझ लीजिए। तो और ये सब तो बड़े बड़े चीज़ है जिसको आप अच्छा से रेडार से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा इससे भी छोटा होता है। जैसे आपको बताया पेंट फ्लिक, तो पेंट फ्लिक ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंट फ्लिक ही नहीं, कोई बड़ा टुकड़ा निकल गया। जब सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स चलाए जाते हैं तो उससे कई बार एग्जॉस्ट में सीधे सीधे पार्टिकल निकलते हैं, वो पार्टिकल एलुमिनियम का मतलब समझिए एलुमिनियम का झर्रा जैसा फैल जाएगा अंतरिक्ष में, तो वो भी नुकसान कर सकता है। वो सब इतना छोटा होता है कि इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। जनरली ट्रैक और ना ट्रैक करने के बीच का अंतर आप ये समझिए कि जनरली अगर 10 सेंटीमीटर का साइज़ का है तो उसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर से छोटा है तब बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह का आप अगर कहीं फोटो भी देखते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है आप देख सकते हैं, तो बड़े बड़े चीज़ बहुत आसानी से ट्रैक हो जाता है। छोटा छोटा चीज़ हम लोग बस ये गेस कर पाते हैं कि इस जगह पे बहुत सारा डेंसिटी है, तो यही प्रॉब्लम है हमारा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसल सिंड्रोम क्या है, कैसे इसको तिगड़म होता है, ये तिगड़म आप ये समझिए कि ये नाम जो है कैसल सिंड्रोम उस प्रोफेसर के नाम पे जिसने ये मैथमेटिकली बताया था कि ऐसा हो सकता है। मैथमेटिक्स ये है कि मतलब प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं, कि अगर आपके पास एक एक्सीडेंट है तो उस एक्सीडेंट से दूसरा एक्सीडेंट होने का कितना चांस है। मतलब समझ रहे हैं कि रोड पर आप गाड़ी चला रहे हो तो एक गाड़ी अगर भिड़ता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही गाड़ी भिड़ा, वो दूसरे गाड़ी पर भिड़ सकता है, वो किसी तीसरे गाड़ी पर भिड़ सकता है, आप देखते देखते आपका पूरा रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसा होने के कारण इसका मैथमेटिकल हिसाब यह है कि जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट भेज रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, अभी लगभग 100 से ज्यादा लॉन्च पर साल हो रहा है, हर जगह से हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हिसाब ये आया कि एक टाइम पे इतना क्रैश होने लगेगा कि एक क्रैश से 10 क्रैश होगा, 10 क्रैश से 1000 क्रैश हो जाएगा। तो ये तिगड़म को हम लोग कैसरल सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं कभी हुआ नहीं अंतरिक्ष में, कोई चीज़ कभी भिड़ा नहीं, क्योंकि आप कहोगे ना कि अंतरिक्ष में बहुत जगह है, जगह खाली है, बात सही है, लेकिन हुआ था 2009 में एक कॉस्मोस पुराना मतलब डिफंक्ट सैटेलाइट, मतलब जिसका काम खत्म हो गया, लाइफ स्पैन हो गया, लेकिन उसमें कोई मेथड नहीं था कि उसको नीचे गिराने का, तो वो ऑर्बिट कर रहा था, वो उसका नाम था 2022-51, मतलब ये उसका डिजिग्नेशन था। वो एक इरिडियम सैटेलाइट, जो सैटेलाइट फ़ोन देते हैं आपको, उस इरिडियम सैटेलाइट 33 से भिड़ गया। और ये हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन मतलब आप समझिए कि गेस कर रहे थे कि 500 मीटर से मिस कर जाएगा, लेकिन भिड़ गया। तो जनरली हुआ क्या कि जब ये भिड़ा तो ऐसे करके डिबरी बन गया वहाँ पे, धड़ा 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 खूब सारा कचरा निकल गया। और ये कचरा भी आप समझिए कि ये भिड़ा तो 40 हज़ार किलोमीटर के स्पीड से भिड़ा है, क्योंकि ये 22 हज़ार पे है, ये 22 हज़ार पे है, तो दोनों समझ रहे, जब भिड़ा तो 40 हज़ार का झटका लगा, तो 40 हज़ार का झटका पे मतलब स्टील भी टूट जाता, कुछ भी टूट जाएगा, कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा अब ऑर्बिट में आ गया, थैंकफुली ये लो ऑर्बिट में था कि मतलब बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा आराम से हो सकता है कि कोई ऊपर में सेटेलाइट हो या नीचे में भी कुछ हो, कि वो एक
टुकड़ा 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 फैलते फैलते सब चीज़ टूटने फूटने लग जाए। यही था इस पिक्चर का मतलब, ग्रेविटी पिक्चर का मतलब मेन स्टोरी की कैसलर सिंड्रोम हो गया कि मतलब किसी ने कुछ किया और उससे उनमें यह था कि चाइना ने अपना पुराना सेटेलाइट फोड़ा, जो कि उन्होंने किया था, चाइना ने किया था मतलब कुछ साल पहले, कि अपने ही पुराने सेटेलाइट को हटाया इससे क्या बोलते हैं मिसाइल मार के, एंटी सेटेलाइट वेपन जिसको कहते हैं। प्रॉब्लम यह था कि इतना डिबरी बन गया उसके चलते कि मतलब समझिए पूरी दुनिया का 3,000 पीस है जो बड़ा बड़ा पीस है, और ये अकेले 3,000 पीस दे दिया, इतना मतलब भारी नुकसान हुआ। तो शुक्र मनाएं कि अभी तक कोई कैसल सिंड्रोम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा आराम से हो सकता है कि 1 से 10, 10 से 1,000, 1,000 से कई करोड़ कि मतलब पूरा ऑर्बिट में छितरा जाएगा कचरा। अब उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि आप ऑर्बिट में जा नहीं सकते, आपका कोई भी रॉकेट नहीं जा पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई पीस उससे भिड़ जाएगा, और छोटे मोटे पीस अगर बहुत सारे हैं तो आपको पूरा रॉकेट को टैंक की तरह बनाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह होता है कि टैंक को हम लोग अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते, हमारे सैटेलाइट का वजन 70-80 टन नहीं होता ना, सैटेलाइट तो बहुत हुआ तो 1-2 किलो टन का बनाया जाता है, और कई कई तो 100-150 किलो के रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा अंतरिक्ष को हम लोग को जाम कर देगा कि कोई भी रॉकेट नहीं भेज पाएंगे, कहीं से भी कुछ भी हो कोई भी रॉकेट नहीं भेज पाएंगे, कुछ भी नहीं जा पाएगा, और कोई भी सैटेलाइट वहाँ बचा नहीं रहेगा, मतलब कचरा के ऊपर कचरा, कचरा के ऊपर कचरा, उसके ऊपर कचरा हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो आप बोलोगे अरे यार मेरे को क्या लेना देना है अंतरिक्ष से हो रहा है, मेरे को क्या लेना देना। आपको फ़र्क पड़ेगा, बहुत जोर का फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि सैटेलाइट नेविगेशन सबसे पहले चला जाएगा। अब सैटेलाइट नेविगेशन से बोले नहीं हम तो GPS के बिना चलते हैं, ठीक है आप भी GPS के बिना चलते हैं, लेकिन ये ओला और उबर ये सब तो बिना GPS के नहीं चलता ना, बहुत सारे टैक्सी सर्विस बंद हो जाएंगे। ठीक है आप बोलोगे चलो हमको उससे भी टेंशन नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट सबका क्या करेगा। एयरपोर्ट में पहले के जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होते थे, मतलब जो खुद से नेविगेशन करते थे, वो इतना इनएक्यूरेट था कि 100-150 किलोमीटर जब ये समुद्र के ऊपर चल रहे हैं फिसल सकते थे इधर से उधर। मतलब कैमरा बोल रहा है नॉर्थ इधर, मतलब समझ रहे हैं थोड़ा सा भी अगर ऑफ रहा तो धीरे 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 वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, और 1-2 घंटा चल रहा है तो मतलब दूसरे देश में पहुंच जाता है। ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है कि जब मिलिट्री बेस में घुस गए, मिलिट्री बेस उनको शूट कर दी, मतलब पैसेंजर प्लेन को शूट कर दी, क्योंकि मिलिट्री बेस का वही ऑर्डर था कि भैया अगर कोई हमारे एयर स्पेस में घुसे तो उसको शूट करो, क्योंकि मतलब मिलिट्री एयर स्पेस है, रेस्ट्रिक्टेड है, कैसे घुस गया वहाँ पे। पैसेंजर प्लेन को समझ भी नहीं है कि उसे मतलब नेविगेशन सिस्टम बता रहा था कि सही जगह पे हो। तो आप समझिए कि मतलब इतना बढ़िया हमारे लोग का जो एयरपोर्ट का सिस्टम है वो तभी चलेगा जब तक नेविगेशन है, सैटेलाइट नेविगेशन, क्योंकि आप ज़मीन पर तो भले कुछ कर लीजिए लेकिन समुद्र के ऊपर जब कोई प्लेन जा रहा था तब क्या कीजिएगा। तो इतना ज़्यादा प्लेन का जो हमारा ट्रैफिक है ये तो हो नहीं पाएगा, मतलब समझिए 100 प्लेन प्रति घंटा अगर चल रहा है तो उसको 10 प्लेन कर दिया जाएगा कि भैया पहले देखो कि वो लॉन्च हुआ आया कि नहीं आया, क्या हुआ उसका, समझ रहे हैं मतलब बहुत तिगड़म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप बोले अब ठीक है चलो प्लेन नेविगेशन इस सबसे इतना क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर ये समझिए कि सबका TV और न्यूज़ नेटवर्क सीधे ख़त्म हो जाएगा, न्यूज़ नेटवर्क सैटेलाइट का ही इस्तेमाल करता है, तभी आपके घर में ये जो छतरी देते हैं डायरेक्ट टू होम TV जिसे कहते हैं ये सब चला जाएगा। और इससे समझिए काफ़ी बड़ी हिस्सा दुनिया का जुड़ा हुआ है टेलीविज़न नेटवर्क से, उसका चला जाना बहुत भारी नुकसान करेगा, हल्का नुकसान नहीं करेगा। अब आप बोलो नहीं यार उससे भी मेरे को कोई लेना है, ठीक है। अब ये समझिए वेदर फोरकास्ट के भी सैटेलाइट से ही काम होता है, वेदर फोरकास्ट नहीं होगा तब बोले अरे वेदर फोरकास्ट कौन सा एक्यूरेट होता है, नहीं एक्यूरेट बहुत होने लगा है हमारा वेदर फोरकास्ट। जब मैं छोटा था जब दूरदर्शन ही आता था, दूरदर्शन के जो शुरुआती मतलब वेदर फोरकास्ट जो होता था उसमें यह था कि इंडिया का नक्शा है, यहाँ से टॉर्नेडो आ रहा है मतलब कि ये तूफान आ रहा है, उसको बस ये कहते थे ये एरिया में हिट करेगा, मतलब पूरा पूरा का पूरा यही बोलते थे कि ये पूरा स्टेट में हिट करेगा। आजकल का हमारा मतलब वेदर मॉडल इतना एक्यूरेट हो गया कि अब सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम लोग बता देते कि वो इस मतलब समझिए इस स्टेट का इस शहर में भिड़ने वाला है, और लगभग 10 किलोमीटर प्लस माइनस में हम लोग एक्यूरेटली बता लेते हैं कि वो वहीं भिड़ेगा, इतना तारीख को भिड़ेगा, इस टाइम को भिड़ेगा, और उस टाइम में मतलब आप सेफ्टी कर सकते हो, अलार्म बजा सकते हो कि भैया सब लोग अपने घर के अंदर रहो कोई मत निकलो, मतलब समझ रहे बहुत जान माल की नुकसान बच जाता है क्योंकि हम लोग अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और टॉर्नेडो वर्नेडो अब बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट हो जा रहा है, तो वो सब हट जाने से काफ़ी जान माल का नुकसान होगा जब भी तूफान उफान आएगा। तो आप बोलोगे यार उससे भी हमको क्या लेना, हम बीच में रहते हैं मतलब रेगिस्तान में रह रहे हैं हम, यहाँ कुछ नहीं आता, चलो ठीक है। अब ये जो फाइनल खतरा है कि स्टॉक मार्केट चला जाएगा, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा टेक्नोलॉजी एक दूसरे से फंसा हुआ है, उसमें से एक भी फेल हुआ सबका सब चला जाएगा। और ये स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं जाएगा कि जैसे 2008 में हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ था वैसा नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट लेके चला जाएगा। ये ग्रेट डिप्रेशन को ऐसा लगेगा कि लोग पिकनिक में गए थे। तो समझ लीजिए कि जब ये होगा कि स्टॉक मार्केट उसके चलते क्रैश होगा, आपका रुपया का मतलब नहीं रह जाएगा, आपका डॉलर का मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप ये समझिए कि इसीलिए लोग इससे इतना डरते हैं, क्योंकि सब चीज़ बिगड़ सकता है, हमारे और आपकी ज़िंदगी का हर चीज़ बिगड़ सकता है। पैसा बिगड़ गया तो आप समझ लीजिए कुछ बचा ही नहीं।
तो अगर ये इतनी बड़ी समस्या है तो इस समस्या से कोई तो कुछ तो कर रहा होगा। हाँ, रिसेंटली मतलब 2000 में लॉ पास करने लगे काफ़ी कंट्री लोग कि अब जो भी सैटेलाइट बनाया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा उसमें उसको डिस्पोज का सिस्टम लगाया जाएगा। डिस्पोजल करने का मतलब ये समझिए, अगर लो ऑर्बिट में है तो उसको डी ऑर्बिट बर्न करके उसको नीचे गिरा देना है, मतलब समंदर में गिरा देना है, या अगर हाई अल्टीट्यूड में है यानी कि जियो स्टेशनरी में, तो पुश करके ऊपर ग्रेवियर्ड ऑर्बिट में डाल देना है। और ग्रेवियर्ड ऑर्बिट में हम लोग क्यों डालते हैं, आप मेरा पिछला एपिसोड ऑर्बिट्स पे देख सकते हैं। तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर नहीं रहा, रूल्स बनाए गए हैं कि अब नए जितने भी सैटेलाइट है सब में कुछ लगाया जाए, और खास करके रॉकेट है जैसे जिसका कोई बड़ा अपर स्टेज रहेगा उसको भी डी ऑर्बिट करने का व्यवस्था रहे, कि मतलब सोच के अब कचरा फैलाना कम कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, आप ये समझिए कि ये जो कचरा फैलाना कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसरो कर रहा है या चाइना कर रहा है या अमेरिका कर रहा है, सब कोई कर रहे हैं। हर किसी के फायदे में है कि इस पर मेहनत किया जाए, हर कोई कर रहा है, आँख मूंद करके हर कोई कर रहा है। फिर आप ये समझिए कि अभी क्या करेंगे, जब ठीक है वो तो आप कचरा कम कर रहे हो लेकिन जो कचरा है उसका क्या करेंगे। तो ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग पे काफ़ी खर्च किया जा रहा है, बहुत सारे जगह पे पृथ्वी पे इस तरह के रेडार स्टेशन हैं जो कि मतलब खूब सारा डिबरी को ट्रैक करते हैं, और इनका डेटा एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है ताकि एक पूरा ग्लोब का मतलब पूरी पृथ्वी का एक मॉडल मिला हुआ है कि कहाँ कहाँ कचरा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, किस ऑर्बिट से कब क्या भिड़ रहा है। तो ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग पे काफ़ी भरपुष्ट खर्चा किया जा रहा है। और अब चूंकि ये सीरियस मतलब चाहिए, पहले ये समझिए पहले 10-20 सैटेलाइट था, अगर 10-20 सैटेलाइट उड़ता तो कोई नुकसान नहीं है, अब 3-4 हज़ार सैटेलाइट है, 3-4 हज़ार सैटेलाइट चला गया तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो अब R&D पे लोग खर्च कर रहे हैं कि ठीक है भैया हम पैसा देते हैं, आप तरीका निकालो कि क्या किया जाएगा भविष्य में। तो R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप बोलो कि भैया इतना बड़ा रिस्क में अब जाके R&D करने का बात कर रहे हैं, जबकि हर साल 100 लॉन्च हो रहा है, मतलब 2020 तक जाते जाते 200 लॉन्च और हो चुके होंगे और उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मतलब 100 मिनिमम चल रहा है अभी। तो ऐसा क्यों नहीं है कि मतलब हम लोग इसको तुरंत ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इतना बड़ा समस्या, मतलब समझिए पूरी सबकी पूरी पृथ्वी का नुकसान हो सकता है इससे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले आप ये समझिए इसमें पॉलिटिक्स बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। आप ऐसा समझिए कि जैसे एक लेज़र ब्रूम टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके आप लेज़र का इस्तेमाल करके ऑर्बिट साफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो काम कर सकता है ये दूसरे सैटेलाइट को भी तो फोड़ सकता है ना। तो मजे से मान लीजिए चाइना बना देता है अपना सैटेलाइट, बना देता है लेज़र क्लीन करने का सिस्टम करता है कि भैया हम अपना सैटेलाइट को इसी से हटा देंगे, ठीक है रख दिया उसने बना दिया। मान लीजिए जिस टाइम उन्होंने फायरिंग किया सबको बताया ठीक है, और उस टाइम को इंडिया का सैटेलाइट बंद हो गया तो सब लोग तो यही बोलेंगे कि चाइना ही लेज़र से उड़ा दिया सैटेलाइट को। और मान लीजिए इंडिया लेज़र बनाता है, चाइना ये बोल सकता है कि नहीं तुम लेज़र से मेरा सैटेलाइट उड़ा रहे हो। तो मतलब समझिए कि सैटेलाइट को फोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से फोड़ सकते हैं लेज़र से। तो हर कोई यही बोलेगा ना कि तुम मेरा फोड़ दोगे हम तुम्हारा फोड़ देंगे, या तो सबके सब अगर बनाने लग गए तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक पैसा का बर्बादी है, दूसरा कि सबको एक दूसरे से डरा रहेगा कि भैया सबका सब सैटेलाइट एक दूसरे से मतलब एक भरोसा नहीं कर पाएंगे कि आपका GPS चलेगा। तो इसलिए पॉलिटिक्स बहुत घुसा है। दूसरा, बजट। तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिसमें उतना तिगड़म नहीं है, लेकिन बजट तब ये आ जाता है कि आप कैसे बोलिएगा किसी को, किस पार्लियामेंट में आप कैसे बेचिएगा ये बात को कि हाँ इसरो जिनको ऐसे ही पैसा नहीं मिलता है, मतलब टुच्चे पर रह रहे हैं उसमें कि भैया हमको पैसा तो अंतरिक्ष साहब करें, उनको थोड़ी समझ में आएगा कि मतलब अगर ये नहीं किए तो हमारा नाविक सिस्टम यानी कि हमारी पूरी इंडियन नेवी का जो नेविगेशन सिस्टम है वो स्वाहा हो जाएगा, हमारा रेलवे नेटवर्क जो अपना नेविगेशन सिस्टम पर भरोसा कर रहा है वो स्वाहा हो जाएगा, उनको थोड़ी समझ में आएगा। वो तो बोलेंगे भैया तुम हमसे करोड़ों करोड़ ले रहे हो कचरा साफ करने के लिए, हम थोड़े देंगे। तो आप समझिए कि पैसा और पॉलिटिक्स दोनों इसमें ऐसा फंसा हुआ है कि कोई कुछ कर नहीं सकता, मतलब चाहते हैं मतलब इसरो से लेके ईसा तक, मतलब इंडिया से लेकर यूरोप तक सब कोई चाहता है कि इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि सबको पता है कि ये एक बार शुरू हो गया तो हम लोग को धरती में फंसा देगा, मतलब बहुत भारी समस्या हो जाएगी। थैंकफुली हमारा इंटरनेट नहीं जाएगा क्योंकि इंटरनेट अंडर सी केबल से चलता है, तो इंटरनेट बचा रह जाएगा। तो आप यह समझ सकते हैं कि बहुत तिगड़म है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कुछ एस्ट्रॉयड या मीटरॉयड या कोई दोबारा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चलते ये कैसल सिंड्रोम हो जाता है, मतलब आप कल सुबह उठते हैं और न्यूज़ में आता है कैसल सिंड्रोम हो गया, तो क्या हम लोग इसको सलटा सकते हैं? हाँ, इंसानियत बहुत समझदार स्पीसीज है, संभाला जा सकता है। अभी प्रॉब्लम है कि मतलब खर्च करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब एक बार हो जाएगा तब कोई नहीं रोकेगा। तो अगर हो जाता है, मान लीजिए कि हो गया, वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, हर 100% सेटेलाइट उड़ गया, तो क्या क्या किया जा सकता है? मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब कई सौ सोल्यूशन से मैं एक छोटा सा। पहला, स्पेस गन, मतलब इतने बड़े बड़े गन जो ऑर्बिट तक फायरिंग कर सकते। तो आप बोलेंगे गन ये खुद भी ऑर्बिट में कचरा नहीं डाल देगा? नहीं, क्योंकि अगर आप बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री लेते हैं जो कि ICBM की ट्रेजेक्ट्री होती है, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है,
जाएगा। तो अगर इससे आप फायर कीजिएगा, ये कितना भी पावरफुल हो, दो ही चीज़ होगा, या तो वापस गिर जाएगा धरती में, या धरती से बाहर चला जाएगा, मतलब सीधा सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है। और इसका जो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है 130 किलोमीटर तक है, और जो नया डिज़ाइन बेबलॉन गन बनाया जा रहा था वो करीब करीब 600 किलोमीटर तक जाने का कैपेसिटी रहा, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट को साफ किया जा सकता था। तो इससे कर सकता, फिर बोलेंगे कोई दूसरा देश डरेगा नहीं कि इतना बड़ा गन लेके बैठा। ये गन बहुत बहुत बुरा है हथियार के तौर से, क्योंकि आप इसको इधर उधर एम नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा चीज़ है, इसको एम नहीं किया। ये तो छुटपुटिया गन है, ये सिर्फ 100 किलोमीटर गया, जो 600 किलोमीटर के लिए बनाया गया था वो चार मतलब कि ये आधा किलोमीटर का उसका गन बैरल है, मतलब पहाड़ के साइड में ऐसे लगाया जाएगा, तो उसको थोड़े आप इधर उधर कर सकते हैं। तो गन से भी किया जा सकता है, और गन से क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें मतलब जो ईंधन लगता है, वो बारूद है, वो बहुत सस्ता है, कई सौ टन का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फिर है ये लेज़र क्लियरिंग सिस्टम, जो जिसे लेज़र ब्रूम कहते हैं, वो तो आराम से जैसे ही लेज़र पल्स मारेगा किसी भी चीज़ पे, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा ऑर्बिट सैटेलाइट है टूट गया है, मतलब अब इसका कोई काम नहीं, इस पर मारे लेज़र, ये वहाँ पे ब्लास्ट करेगा, वहाँ पे ये होगा, मतलब समझिए प्लाज्मा बन जाएगा, क्योंकि वो गर्म हो गया और वहाँ से भाप निकला, तो वो समझ रहे हैं ये मतलब ऑर्बिट का स्पीड कम कर देगा, जैसे वो उससे एक्सप्लोजन स्पीड कम करेगा तो नीचे आ जाएगा, फिर वो खुद ब खुद एटमोसफेयर उसकी ऑर्बिट बिगड़ जाएगी और गिर जाएगा। फिर दूसरा है कि हाई एल्टीट्यूड बलून का इस्तेमाल करिए, जो वेदर बलून कहते हैं, उसमें बारूद लगा के, मतलब बारूद का एक डिस्क लेके पल्स जनरेटर जिसे कहते हैं, उसे खूब एल्टीट्यूड पे जाइए, जब दिखेगा कि बहुत बड़ा सा स्पेस डिबरी आ रहा है, जंक आ रहा है, वो तब धमाका करेंगे। तो धमाका से ये होगा कि एक खूब बड़ा सा शॉक वेव ऊपर जाएगा, वो शॉक वेव जो है जैसे ही कचरा उसमें घिसेगा वो स्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत गिर जाएगा, स्लो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही स्लो होगा तो वो धीरे धीरे ऑर्बिट उसकी खत्म हो जाएगी। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी कोई इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट है, सब लोग मतलब रुके हुए हैं कि अरे कोई कुछ हो कुछ हो। ये ग्लोबल वार्मिंग जैसा है कि अगर मतलब जब तक पानी इतना नहीं बढ़ने लगता कि आपका पूरा मुंबई नहीं डूब जाता, जब तक पूरा मतलब न्यूयॉर्क नहीं डूब जाता, कोई काम नहीं करेगा इस पर, लेकिन जिस दिन हो जाएगा अगले दिन हम लोग इसको सल्टाना शुरू कर देंगे, उससे एक दिन पहले तक कुछ नहीं करेंगे। तो आप ये समझिए कि अगर समस्या आ गई तो हम लोग सल्टा सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, लिंक में आप देख सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये होपलेस नहीं है, समस्या है तो मतलब 20 से 30 साल के लिए हम लोग लटक जाएंगे, लेकिन सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैंसर सिंड्रोम में, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए इस एपिसोड में, और मैं आपसे कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए #RocketMonday, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फ्री हैं तो बेल दबा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।